अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 195 पॉइंट नेगेटिव बन रही, इंडेक्स 43,481 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो मार्केट में 220 मिलियन के वॉल्यूम्स कैसी 100 इंडेक्स में लगे, और कैसी जो कि कल की नस्बतन थोड़े कम है, सेट्स बात काफ़ी कम है। कल तो 300 प्लस वॉल्यूम लगे थे, उसकी यही वजह थी कि इलेक्ट्रिक में लगे थे। आज अगर बात की जाए तो आज वॉल्यूम्स हमने देखा कि WTL में काफ़ी ज़्यादा लगे, मोर देन 150 मिलियन। तो अब इसकी क्या, लेकिन WTL KSE 100 में नहीं है, वो KSE ऑल में है। इसी वजह से हमने देखा कि KSE ऑल के एक अच्छे खासे वॉल्यूम लगे। हम देख सकते हैं कि KSE ऑल शेयर में 620 मिलियन का काम हुआ, जिनकी वैल्यू 10.485 बिलियन बनती है। आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट में एक अपवर्ड की तरफ स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि मार्केट जो है वही 43,880 के सतह के करीब बंद से रिजेक्ट हुई, जो कि पिछली बार भी मार्केट इसी सतह से रिजेक्ट हुई थी। तो ये कि अब मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, आज सेकंड टॉप भी मार्केट ने लगाया। इस हवाले से मजीद हम टेक्निकल चार्ट पे आज तवज्जो देंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आखिर में भी प्रेशर के साथ बंद रही। इंडेक्स ने एक जो लो लगाया 43,390 का लगाया। अच्छा, अब बात कर ली जाए डॉलर की, तो डॉलर में एज सच तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ। कल के दिन अगर हम बात कर ली जाए तो जैसे हम जानते हैं कल के दिन जो डॉलर की क्लोजिंग थी वो हम देख सकते हैं अराउंड 214.88 पे बंद रहा था डॉलर, और आज 214.95 पे बंद हुआ। तो एज सच तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ है डॉलर में, तो ये एक तरीके से नेग्लिजिबल है। न्यूज़ में आज ये था कि रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव होने के हवाले से काफ़ी न्यूज़ आई, उसमें हमने देखा रिफाइनरीज में एक रैली बनी। ऑल्दो हमने कल भी आपको कई जैसे PRL की खास बाइंग का बताया गया था, कल AVN का बताया गया था 8450 पे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे पोजीशन बना लीजिए 50 पैसे 1 रुपये 1.5 रुपये की। और आज हमने देखा कि वो ट्रेड भी आप लोग की होपफुली अच्छी गई होगी, जहाँ पे हमने आपको DGKC में खास प्रॉफिट टेकिंग का कहा था। आज DGKC 76 पैसे नेगेटिव बन रहा। आज ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा, जिनके अंदर सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका स्टील सेक्टर, ASPL का रिजल्ट आया, अपर कैप लगा था उस दिन पहले, तो अब इसको आज लोअर कैप लगा। उसी के हम बरक्स देखें तो जैसे WTL में अच्छा काम हुआ, सिनर्जी में काम हुआ, GTEC छोटे आइटम्स हो गए, सिल्क बैंक हो गया, थोड़ा यूसुफ वीविंग में थोड़ा काम हुआ। तो यही ओवरऑल हम लोगों को आज देखने को मिला। केमिकल सेक्टर में लौटे भी नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। तो अब चलते हैं हम थोड़ा टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ। अच्छा, उससे पहले अगर हम क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में चेक करें तो करंटली जो क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा है वो है अराउंड 88.83। तो यही है कि एक ही वो भी क्रूड ऑयल भी एक ही रेंज के अंदर है बहरहाल। और अगर हम बात कर लीजिए इंडिया की मार्केट, तो उसमें भी एज सच कोई गेन या लॉस नहीं हुआ, तकरीबन 37 पॉइंट उसने गेन किए हैं। जहाँ पे हम अमेरिका की मार्केट की बात की जाए, अमेरिका की मार्केट में 1.25% की सेलिंग कल रात को विटनेस की थी, और अगर हम करंटली उसके फ्यूचर्स की बात की जाए तो 17 पॉइंट बस पॉजिटिव चल रहे हैं। तो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से भी तो अप डाउन तो चल ही रहा है। उसी में अगर हम चलते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, तो WTL में अच्छा काम हुआ, 170 मिलियन के वॉल्यूम, सिनर्जी में एक अच्छा गेन, वाई सेट्स ऑल द प्रॉफिट टेकिंग आई, के इलेक्ट्रिक में आज हैवी सेलिंग देखने को हम लोग को मिली, जहाँ PRL अच्छे हाई साइड पर बन रहा, PIA हो गया, इसमें प्रॉफिटिंग हैवी आई, GTEC में अच्छा गेन हुआ, हाईस्कॉल में प्रॉफिटिंग आई, सिल्क बैंक में अच्छा गेन देखने को मिला, जहाँ वेव्स में आज हमने काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा, पेस पाकिस्तान ने भी हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी। जहाँ टॉप एडवांसर्स में एक तो WTL है, दूसरा यूनिकैप उतार हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा कम काम हुआ है, परवेज अहमद कंसल्टेंसी में थोड़ा है, हीरा टेक्सटाइल के अंदर थोड़ा सा काम है, तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर के इलेक्ट्रिक का नाम है, अमरेली स्टील्स हो गया, 5 मिलियन का काम हुआ, PIA अमरेली स्टील का बेसिकली इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं है, इसकी वजह से इसमें हमने थोड़ा प्रेशर देखा। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप डिक्लाइनर्स की तरफ। आज की इस नेगेटिविटी में जो मार्केट को पॉजिटिव रहे स्टॉक्स, उनमें सरे फेरिस, मीज़ान बैंक पे, ATRL, MCB, PSEL, लकी सीमेंट में, ऑल्दो आज भी थोड़ी पॉजिटिविटी देखने वाली, सरले हो गया आपका, POL हो गया, इवन देखा जाए तो हम HMB, कोलगेट, SNGP, मारी, इनमें थोड़ा हमने कहा पॉजिटिविटी देखी। उसी के साइड में हमने ऑयल सेक्टर में जो OGDC था, PPL, उनमें एक अच्छी सेलिंग विटनेस की। सिस्टम्स हाईली नेगेटिव रहा, UBL हो गया, PPL, के इलेक्ट्रिक, OGDC, एंग्रो, लॉटे केमिकल, BAHL, FFC, TRG हो गया, ISL, नेशनल बैंक, FABL, इंडस और हैस्कॉल, ये सब बेसिकली मार्केट को नेगेटिव रखते रहे। अब
अब अगर हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के ऊपर और उधर थोड़ा इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, तो आप मेरे सामने इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। वॉल्यूम्स हम जैसे जानते हैं थोड़े से डिक्लाइन हुए, उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, आज की कैंडल छोटी सी बनी है और वही एक रेंज के अंदर है। मार्केट काफ़ी हद तक अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट बेसिकली अपना एक टॉप लगा रही है। आप देख सकते हैं जैसे मार्केट ने पहले अपना एक बॉटम लगाते हुए थोड़े दिन एक ही रेंज के अंदर परफॉर्म किया, अब उसी तरीके से मार्केट अपना टॉप लगाते हुए एक ही रेंज के अंदर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। RSI की बात कर ली जाए तो 66 पे एसएस, तो खैर RSI में भी कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई है। मार्केट का भी कल वीक क्लोजिंग है, वीकली बेसिस के हवाले से भी अगर हम इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो जो अच्छी क्लोजिंग है 43,240 के ऊपर ही अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर इंडेक्स कल 43,240 के नीचे बंद हो जाता है थोड़ी नेगेटिविटी होगी, बहुत नेगेटिविटी बहरहाल वो तो देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन बेहतर है कि अगर कल इंडेक्स 43,240 के ऊपर बंद हो जाता है तो ये एक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर होगा। बहरहाल वीकली के हिसाब से आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं थोड़ा आवर्ली टाइम फ्रेम में, और ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेसिकली ज़्यादा होता है। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट के लिए कोई खास एस्टोनिशमेंट नहीं है, ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि मार्केट डबल टॉप लगा लिया है, मार्केट ने एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है, RSI के अंदर डाइवर्जेंस आ रही है जो कि मैंने अगली बेसिकली चार्ट के ऊपर बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही है, एक रेंज के अंदर चली, वो रेंज की है 43,000 तकरीबन 350 से लेकर 43,800 की 800 की ये रेंज है। अच्छा, इधर हम देख रहे हैं मार्केट नीचे आती है, फिर एक बाउंस बैक करती है और फिर ऊपर आती है। RSI में स्ट्रिक्ट डाइवर्जेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाइवर्जेंस है। बहरहाल ये जो है आप कह लीजिए एक नो ट्रेड जोन भी माना जाता है जब कभी मार्केट स्विंग ट्रेडिंग में होती है, जब कभी एक रेंज के अंदर होती है। ऑल तो मैं इधर जो सजेस्ट करता हूँ वो ये होता है कि भाई आप डिप पे बाई कीजिए जो लोअर बैंड है, और अपर साइड पे जो अपर रेजिस्टेंस है उधर भेज दीजिए। लेकिन करंट केस में ये है कि मार्केट काफ़ी आज नेगेटिव साइड पे बंद रही है। ऑल तो थोड़ा थोड़ा हमने प्रेशर देखा बाइंग का, लेकिन स्टिल काफ़ी निचली सतह पे बंद रहा है, मार्केट बंद रही है। और अब जो मार्केट का पास जो लो है हम इसको मज़ीद 15 मिनट में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझ जाइएगा कि अब मार्केट क्या कर रही है। अब जो ये रैली थी ना ओवरऑल तकरीबन ये जो 4,000 से प्लस पॉइंट की रैली थी, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें जो मार्केट ने लो लगाया था अराउंड यहाँ से ये थी 4,000 प्लस की रैली, उसके अगेंस्ट अब मार्केट थोड़े कंसोलिडेट कर रही है, अब तक टॉप लगा रही है। और पॉसिबिलिटीज़ है कि अब तक टॉप लगाने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो मार्केट आके लो साइड की तरफ मूव कर सकती है। लो साइड अराउंड 500 से 1,000 पॉइंट मिनिमम बनता है, वो 1,500 तक भी खींच सकता है, 1,500 से 2,000 पॉइंट तक। उसके लेवल्स आप लोगों को पहले ही बता दिए गए हैं, 42,900 के नीचे हम प्रेशर देख सकते हैं। तो ये जो 42,900 का ये जो लेवल है इसके नीचे हम मार्केट में प्रेशर देख सकेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट में आप समझे फिर जो एक नेगेटिविटी का जो रुझान है वो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इवन मैं क्या समझता हूँ कि इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता जब तक हम स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अब बात कर ली जाए अगर हम 15 मिनट की, अब थोड़ा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 15 मिनट में एक तो ये कि आज इंडेक्स ने डबल टॉप लगाया और अब आ चुका है अपनी नेक लाइन पर। नेक लाइन किधर है? वही 43,000 आप समझ लीजिए 350-380 की। अब ये इस लेवल को ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे एक मजीद प्रेशर आ सकता है, ठीक है। और इवन आज हमने ये देखा जब मार्केट ने एक राइज दिया ना, शुरू में खुलते साथ ही एक राइज दिया और जो हाई लगाया, RSI आपका ओवरबॉट जो जैसे पहले जा रहा था इस बार उधर जाने में ही नाकाम हो गया। आप ये समझे कि इधर जाने से पहले ही बियर्स ने ओवरटेक कर लिया, तो ये थोड़ा एक प्रेशर का एक साइन होता है कि जब कभी RSI आपका ओवरबॉट जोन के अंदर जा ही रहा होता है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है, मतलब उधर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब हम देख रहे हैं उधर तक पहुँचने से पहले ही एक रिजेक्शन उसने खाई है, तो यहाँ पे अब हम एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखते हैं 43,900 का ये जो लेवल है 880 से 900 का। तो अब यही देखते हैं कि अगर मार्केट, क्योंकि अब हम आजकल यही देख रहे हैं कि मार्केट जिस दिन नेगेटिव होती है उसके अगले दिन पॉजिटिव खुल जाती है और थोड़ा ऊपर चली जाती है और फिर ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अगर ये कि मान लीजिए कल भी मार्केट ऊपर ही खुलती है तो मेरे नज़दीक तो हम लोगों को थोड़े थोड़े सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए और अब डिप पे, अब डिप्स को हम लोग को तलाश करना चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि काफ़ी स्टॉक्स आपके अभी भी डिप्स लेते हुए उन्होंने अपनी डिप का जो है ना साइकिल वो स्टार्ट कर दी है, जिनके अंदर कहीं आपके केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं,
जिनके अंदर आपका NRSL हो गया, दूसरे स्टॉक्स भी हो गए लॉटे केमिकल जैसे हो गया। उसी के साथ अगर हम बात करें दूसरे में जैसे सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स आपके हो गए, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स हो गए, कुछ स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, ठीक है, कुछ तो टेक्नोलॉजी के हो गए। तो ये सब है कि जैसे जैसे अब ये कि अब आपको डिप्स को तलाश करनी, यहाँ पे अब आपका तकरीबन माल थोड़ा थोड़ा आपका ऑफलोड करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ अब क्या क्या अब आपने कब न्यू तेज़ी करनी है, जब मार्केट 43,900 का ये जो 800 का लेवल है ना, अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है उसके बाद ही न्यू तेज़ी करें, ठीक है, उससे पहले न्यू तेज़ी नहीं करनी चाहिए। इसको मार्केट ब्रेक करती है 43,900 तो न्यू तेज़ी कीजिए, 44,200, 44,500, 44,800 तक कीजिए, उससे पहले मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि बेहतर है रिस्क लेना एक इधर फिलहाल जो होता है रिस्क ना ले वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अभी भी आपको दिल नहीं है बेचने का अपना माल तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। अब जो ये आपको लेवल बता दिया गया 43,350, अगर मार्केट अब मान लीजिए कल खुलती है अपसाइड पे जाती है और फिर ये 43,400 को ब्रेक कर देती है, खुलते साथ ही नीचे ही खुलती है और उसके नीचे ही ट्रेड करती है 43,400 के, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि मार्केट अपना इनिशियली जो टारगेट करे वो 43,250 का लेवल हो सकता है, मार्केट इसको टारगेट करे। पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि 250 से 200 की रेंज है, इधर शॉर्ट अप मूव्स आए, ठीक है, शॉर्ट आपकी जो माइक्रोवेव्स है उनका एक जो है वो स्टार्ट हो जाए, पॉसिबल है कुछ जो स्टॉक जो गिर रहा है उनके अंदर कुछ जो चंद स्टॉक्स है उनमें आपकी रिकवरी आ जाए, तो उधर थोड़ी इंट्राडे पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट इसको भी होल्ड करने में नाकाम रहती है, नेक्स्ट जो लेवल होगा आपका 43,050 का लेवल या 43,000 का राउंड फिगर समझ लीजिए, ठीक है, और इंट्राडे लेवल्स है ये सारे जो लेवल्स है इंट्राडे। और मान लीजिए मार्केट उसको भी होल्ड नहीं करती तो फिर जाकर लेवल आ जाता है 42,000 तकरीबन 850 से 900 का, ठीक है, 850 ही आप समझिए, 800-850। इसके भी नीचे अगर रहती है तो बिग सपोर्ट आने वाले जो 850-900 है ना, उसके बाद जो एक बड़ी सपोर्ट है 42,000 तकरीबन 700 से लेकर 650 की, 750 तो हम जानते हैं कि आवर्डली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जो एक है बड़ा सपोर्ट 42,600-650 है मेरे, वो तो अभी बहुत दूर है तो उस पर अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, लेकिन इन लेवल्स को आपने फोकस करना है जहाँ पे मेरे नज़दीक 43,000 से लेकर 42,800 अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल पे आती है तो इधर तो एक अच्छी इंट्राडे पोजीशन हम लोग को फाइंड करनी चाहिए, ठीक है, तो इन लेवल्स पे थोड़ी थोड़ी आप इंट्राडे पोजीशन अपनी बना सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 43,500, फिर 43,700, फिर 43,900 है, तो ये सारे लेवल्स आप लोग के सामने हैं। मार्केट अगर 43,900 का ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, 44,100 हो गया से 44,100 से लेकर 44,500 तक इनिशियली टारगेट कर सकती है। और अगर 43,350 को ब्रेक किया तो इनिशियल पहला लेवल जो आएगा 43,250, फिर 43,000, फिर 42,850 से 900 का लेवल, तो ये सारे लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, सब समझा दिया है मार्केट की क्या सूरत हाल है। अब चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर क्योंकि वैसे ही काफ़ी अब लंबी वीडियो हो रही है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला कॉमेंट अदनान हसन का है, वो आगा स्टील के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए आगा स्टील के हवाले से अगर हम बात करें तो आगा स्टील की जो अच्छी एक जो थी बात वो ये थी कि इसने ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया, ऑल्दो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वैसे एक अच्छी इसने एक रैली कर ली थी इस वजह से, तो ये अच्छी बात है कि अब तक ट्रेंड काफ़ी हद तक पॉजिटिव करने के चक्कर में है। और दूसरी बड़ी बात एक तो ये पहले से ये काफ़ी हाईली डिस्काउंटेड एक शेयर है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आवर्ली टाइम फ्रेम में, आवर्ली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये एक जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो एक हायर हाईज का पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं ये हायर हाईज पोस्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से अब जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15.50 रुपये के पास है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मजीद नीचे चला जाए, 14.90 रुपये से लेकर 14.60 रुपये तक भी चला जाए, ठीक है, तो जो इंट्राडे या थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करता है मेरे नज़दीक 15.50 रुपये उनका इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इधर RSI में भी थोड़ी थोड़ी डाइवर्जेंस आ रही है, लेकिन ये ज़रूर मेरे नज़दीक कि अगर जो थोड़ा लंबा खेलना चाहता है पोजिशनल ट्रेडिंग तो उसको स्प्लिट बाइंग कर सकता है, 15 रुपये के अंदर मिल जाए, मतलब 14.60 रुपये के करीब करीब मिल जाए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें हम ज़रूर एक एंट्री ले सकते हैं। तो ओवरऑल हायर हाइज मार रहा है, अगर 15.50 रुपये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14.90 रुपये, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आनी है वो है तकरीबन 14.60 रुपये की आनी है, तो उस लेवल पे हम ज़रूर 15 रुपये से लेकर 14.60 रुपये पे हम न्यू एक्यूमुलेशन देख सकते हैं।
नेक्स्ट भाव में साजिद महमूद का है, वो FCCL के हवाले से पूछ रहे हैं। अभी बात कर लीजिए तो एक ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को FCCL के अंदर देख रहे हैं आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कि अगर ये हायर साइड मतलब 15 रुपये 40 पैसे का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि 15 रुपये 80 पैसे को पहले चेज करें, फिर 16.5 तक भी इसके अंदर थोड़ी मोमेंटम बन सकता है। नहीं तो अगर ये अपने लो साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है, मतलब आप मान लीजिए ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 14 रुपये 70 पैसे उसको ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है अराउंड 14 रुपये 30 पैसे से लेकर 13 रुपये 60 पैसे तक ये फिर एक डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। तो इसमें यही करना चाहिए, ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करना चाहिए। जिसके बाद लो साइड का पड़ा हुआ है तो उसके लिए तो मैं इसमें हाईली एक प्रॉफिट टेकिंग रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट सुफियान का है, वो कह रहे हैं कि हमजा भाई यार मुझे लॉन्ग टर्म पोजिशन लेनी है सिस्टम्स और लकी सीमेंट में, इनका बता दें इस वक्त इनकी प्राइसेस कैसी हैं और फॉर लॉन्ग टर्म अंडर वैल्यूड है। देखिए लकी सीमेंट की अगर बात कर लीजिए, देखिए वैसे तो आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया बहुत आउटस्टैंडिंग है, लकी सीमेंट सिस्टम दोनों ही बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। लेकिन जो अभी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि ये थोड़ा अभी ओवरबॉट की साइड पे है। जैसे लकी सीमेंट की बात हो गई, इसने रिसेंटली 400 से अभी 500 रुपये तक एक मूवमेंट दिखाई है, तो इसलिए ये थोड़ा अभी फ़िलहाल हाई साइड पर आ चुके हैं। ये करंट रेट भी बुरा नहीं है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के हवाले से ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि अभी किसने आज डबल टॉप भी लगाया थोड़ा डेली टाइम 15 मिनट के अंदर, और अगर आप मान लीजिए यहाँ से 4.95 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी एक डाउनवर्ड्स की तरफ एक मूव देख पाएंगे। तो आप सपोर्ट लेवल तकरीबन 497 ले लें 487 का, अगर ये इसको लेवल का ब्रेक करते तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि हम लोग को एक मूव दिखा दे 470 से लेकर 450 तक, उधर पे आप अपनी एक्यूमुलेशन कीजिए। वरना ये कि स्प्लिट बाइंग में थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, ओवरऑल बहुत ही अच्छे शेयर्स है मेरे नज़दीक। करंट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन आज ही का हाई रहेगा तकरीबन 500 रुपये आवर्ली बेसिस पर, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट ये 520 से लेकर 550 तक भी एक मूव दिखा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को उस तरफ अगर हाई साइड पर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग इसमें करनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है OGDC। OGDC को मैं खासकर स्टॉक आज की वीडियो में शामिल करना चाहता हूँ कि ताकि इसका हवा थोड़ा आपको समझ में आ जाए इसमें क्या सिचुएशन चल रही है। आप पहले देख सकते हैं OGDC लोअर लोज और लोअर हाइस दिखा रहा था जो एक डाउन ट्रेंड के निशानी थी, और अब हम देख रहे हैं कि OGDC क्या है, अब ये हायर हाइस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं अब जो ये हाइस मार रहा है वो हायर हाइस मार रहा है और अब लोअर लोज मारता हुआ हायर लोज मारता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अप ट्रेंड की निशानी है। मोर ओवर ये हम लोगों को रिसेंटली काफ़ी किसने फॉल लिया, जैसे कि 89 से इसने आज फॉल लिया, करंटली जो इसका रेट है 85 है। वैसे काफ़ी लो मूविंग स्टॉक है तो स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी एक आप कह लीजिए बहुत अच्छा स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है। अब क्या है OGDC का, अब ये है कि करंटली जिस रेट पे मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा रेट है। आप देख सकते हैं ये हाईली एक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है डेली 15 मिनट में भी, और अब जो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आना है वो 84.50 के आसपास है, जिधर से शॉर्ट अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहरहाल। और अगर अल्लाह ना करे ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है, तो आप देख रहे हैं 83.20 नेक्स्ट सपोर्ट है, और जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो सपोर्ट है 81.90 83.20 से लेकर 81.90 के दरमियान में, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इस दरमियान में आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इस पर एक आप नज़र रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं OGDC को। जो आज की वीडियो का आखिरी स्टॉक है वो है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। PRL के आज हमने देखा न्यूज़ आई तो इसमें एक अच्छी एक मूव भी बनी। अब क्या कहते हैं कि PRL एक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुका वाला स्टॉक है और इसमें RSI के अंदर भी काफ़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरा क्या मानना है इसमें कि अगर ये हाई साइड पर जाता भी है तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, भले चाहे जो भी न्यूज़ हो, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलना चाहिए या फिर आपने अपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना है। करंटली जो एक रेजिस्टेंस है वो 20.17 रुपये की है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है आवर्ली टाइम फ्रेम में तो नो डाउट हम इसमें एक मजीद देखेंगे मूव 20.50 रुपये से लेकर 20.80 रुपये, ठीक है, ये एक इमीडिएट टारगेट आएगा। लेकिन यही कि जिसके पास है गेन में है प्रॉफिट में है, तो मैं यही कहूँगा कि उसमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जा देनी चाहिए। अगरचे तो मार्केट चलती है तो नो डाउट ये एक अच्छी मूव बना सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि ये 15 रुपये से चला हुआ स्टॉक है तकरीबन 14.80 रुपये और उससे गेन भी अराउंड 40% का क्या था,
तो थोड़ी करेक्शन अगर आ जाती है तो फिर इसमें चांसेस है कि थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ चले, न्यू एंट्रीज रिस्की है, ऑल्दो न्यूज़ेस है लेकिन रिस्की है न्यू एंट्री। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।